हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स ऑलमोस्ट 5 AM इन द मॉर्निंग, सुबह के 5 बजे। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने पूरे मनोयोग से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ो, यू शुड बी रिलैक्स्ड, ब्रेन एकदम फ्रेश होना चाहिए। तो जैसे हम क्लास में भी बहुत बार डिस्कस करते हैं, जब भी थकावट हो, हम लोग भी दिन भर टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, तो शाम को कुछ करना हो तो मेरा पर्सनली मानना है बेस्ट मेथड है 1 आवर स्लीप ले लो, एक पावर नैप ले लो। घंटा डेढ़ घंटा आप अगर सो जाओगे फिर उठोगे, उसके बाद फ्रेश हो जाएगा ब्रेन चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए। तो थोड़ा सा इस एग्ज़ाम पीरियड में इस बात का विशेष ध्यान रखना कि एक टेक्निक के साथ पढ़ना है हमको, लगातार नहीं। ब्रेन के थकने पर घंटा भर रेस्ट करके दोबारा लग जाएं तो ब्रेन बॉडी दोबारा तैयार हो जाती है। तो बच्चों, आज हम हमारी जो एक दूसरी बुक है फ्लेमिंगो, उसका पहला चैप्टर द लास्ट लेसन का रिव्यू करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन इट्स अ वेरी गुड चैप्टर। सो द चैप्टर्स नेम इज़ द लास्ट लेसन, है ना, अंतिम पाठ। अब देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं हर एक में बताता हूँ, अल्फोंसो डोडेट, ये दिस इज़ द नेम ऑफ द राइटर ना। तो लास्ट लेसन का राइटर कौन है? अल्फोंसो डोडेट। वेन एवर यू गेट ए चांस, जब भी आपको मौका मिले यूज़ इट, इसका उपयोग करना। सो जैसा मैंने पहले भी कहा है, ये एक अच्छा इम्प्रेशन एग्जामिनर को देगा जब वो चेक करेगा, और आपको डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। अब देखिए, इसमें देयर इज़ वन थिंग ऑल्सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फ्रांस प्रशियन वॉर। सो ये जो दिन थे इस लास्ट लेसन में, जो स्टोरी है फ्रांस और प्रशिया की वॉर की, जो प्रशिया जिसको बोलते हैं, उसकी जो युद्ध था उसका, उसके दौरान की कहानी है। तो ये सारा चैप्टर उसी के ऊपर ही आधारित भी है, रिलाई करता है। सो ये आपको ये भी देखना है कि दिस इज़ द चैप्टर फ्रांस और प्रशा की जो वॉर है उसमें ये चैप्टर फ्रांस प्रशा की वॉर का को बताता है। रिमेंबर दिस ऑल्सो। सो या स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन। सो हियर वी गो। ओके, देखिए इसमें एम हेमल ये टीचर हैं, जैसे आवर टारगेट इज़ टू रिव्यू ऑल दोज थिंग्स। सो आप लोगों ने सबने पढ़ा है, अब अंतिम समय है, बस उनको रिव्यू करना है, स्कैन थ्रू करना है, उनको हमें रिमेंबर करना है, याद करना है, ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं हो आगे, याद हो। तो देखिए, एम हेमल, रिमेंबर दिस ऑल्सो, एम हेमल टीचर का नाम क्या था? एम हेमल। सो दिस वॉज द लास्ट लेसन और डन बाय एम हेमल। एम हेमल जो सर हैं वो इसको बताएंगे, टीचर जो हैं, तो इसको अपने को देखना है। अच्छा, आगे हम चलें भाई, क्या जो राइटर है वो क्या कहता है? ये देखिए, राइटर है कंफ्यूज्ड है, पढ़ाई से दूर भागता था, जिससे बहुत सारे बच्चे होते हैं, पढ़ाई को बोझ समझता था और इधर उधर घूमता था, पार्क में जाता था, स्कूल बंक करता था, छोड़ के जाता था, जैसा हम सबने इसमें देखा भी। अब देखो, ये एम हेमल साहब का उन्होंने पोर्ट्रेट दिया है, ये एम हेमल साहब हैं, और जब वो अच्छे ड्रेसअप होके आए थे जैसा हमने देखा है। अब इसमें देखो, जो स्टोरी सुना रहा है वो बताता है कि मैं भागता हुआ गया, मुझे लेट था उस दिन, और वहाँ बहुत सारे लोग पीछे बैठे हुए थे। देखो, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, ओल्ड हॉजर, ठीक है, वृद्ध हॉजर था, फॉर्मर मेयर था जो पीछे बैठे हुए थे, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ अनदर थिंग इज़ दैट दिस इज़ द वेरी
interesting and very important sentence what M. Hamel said, "My children, this is the last lesson I shall give you." उसने कहा भाई आज मेरा अंतिम लेसन है जो मैं आपको दूंगा. द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, हमने जैसे पढ़ा फ्रांस और प्रशा की लड़ाई है, अब इन पे जर्मनी का अधिकार हो जाता है, ये जो एरिया था, और यहाँ पर फ्रेंच की बजाय जर्मन पढ़ाई जाएगी. तो एक मातृभाषा की बात इन्होंने इसमें उठाई है, पढ़ाई. और जैसा अभी हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तो एक देश प्रेम की भावना और ये उसके अंदर इस चैप्टर में दिखाई गई. और एक स्टूडेंट का जो टीचर के साथ में नाता होता है ना, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट, दैट्स सो पायस है ना, इतनी पवित्र होती है, उसको भी इन्होंने दिखाया. वो तब रियलाइज़ होती है जब टीचर वहाँ से मूव कर जाता है, आगे चला जाता है, किसी दूसरे स्कूल में चला जाता है, या उसकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं, उसके बाद में बच्चों को रियलाइज़ होता है या वो लोग स्कूल छोड़ देते हैं. सो एम हेमल वॉज ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत स्ट्रिक्ट थे. सो बट दैट डे वॉज द लास्ट, सो ही वॉज वेरी जेंटल दैट डे. वो उनका लास्ट डे था तो वो उस दिन काफ़ी. अब हियर वी गो, ये देखो आप, एक बात आपको बताऊँ, इसमें एक विशेष ध्यान आप ये रखना. पर्सनली आई फील द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द चैप्टर, जो प्रश्न पूछे गए हैं पाठ के अंदर पीछे की बजाय, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनको विशेष रूप से आप देखना, ठीक है. सो सो दिस वॉज द लास्ट चैप्टर. और देखो इसमें जो मेन जो चीज़ें हैं, ये देखो ओल्ड हॉजर का इन्होंने एक दिखाया, बड़ा मतलब मार्मिक इमोशनल है. ये यहीं का स्टूडेंट था जो फॉर्मर ओल्ड हॉजर एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, पढ़ाई छूट गई होगी ना, तो उसने प्राइमर को भी अपने हाथ में रखा हुआ था. हॉजर नाम ज़रूर याद रखना, ओल्ड हॉजर. वो जब भी पूछते हैं क्या उसमें था, कौन कौन से आके पीछे बैठे थे बेंच में, तो आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है. छोटा सा पाठ है, बहुत अच्छा पाठ है, और इसमें से प्रश्न जरूर से ही आते हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है. अच्छा, अब नाउ देखो चैप्टर का रिव्यू एंड द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द पास्ट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए आप क्वेश्चन हम देखें, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट डिड फ्रेंड नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे. क्वेश्चंस ये बार बार फ्रिक्वेंटली दे आस्क, वो क्या असामान्य देखा था उस दिन उसने, या इसको दूसरे रूप में कैसे भी पूछ सकते हैं वो. हाउ वॉज द सीन इन द स्कूल इन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम, ये मेन क्वेश्चन है, पार्ट शुरू इसी से होता है. तो देखो, देयर यूज टू बी अ ग्रेट हसल एंड बसल इन द स्कूल ऑन नॉर्मल डेज, बट दैट डे देयर वॉज साइलेंस ऑल अबाउट द स्कूल. नो नॉइज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, no noise of the opening and closing of desk of lesson repeated loudly in unison could be heard. बहुत शांति थी उस दिन, कोई भी शोर शराबा नहीं था, क्योंकि जो एम हेमल थे उनका लास्ट डे था. देखो मैं आई एम रिपीटिंग ऑल दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन सो दैट योर ब्रेन कुड ग्रास्प दोज वर्ड्स, आपका जो ब्रेन है, हमारी जो मेमोरी में वो सारे शब्द चले जाएँ और आपको ज़्यादा दिक्कत आए नहीं, ठीक है. सफल होने का या बहुत अच्छे नंबर लाने का यही तरीका है, एक ही चीज़ को कई बार पढ़ा जाए, ठीक है. ये पर्सनली आई फील ऐसा होता है. अब लेट्स सी, देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट पर क्या लगाया गया था. हाँ, ये रहा सूचना पट पर. देखो हियर इज दैट क्वेश्चन, द न्यूज दैट इंस्टेंट ऑफ फ्रेंच जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल. देखो कुछ शब्द कुछ सेंटेंसेस आपको
याद कर लेने पे आसानी हो जाती है. द न्यूज़ दैट इंस्टेड ऑफ फ्रेंच जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल, रिमेंबर इट. ये आपको हमेशा यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा. इंस्टेड ऑफ फ्रेंच जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. ये आप याद कर लेना इस सेंटेंस को, ये बहुत हेल्पफुल है आपकी, क्योंकि ये उस पार्ट की मेन थीम है कि फ्रेंच की जगह जर्मन वहाँ काम में ली जाएगी. वो लास्ट डे था. व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे? फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे बिकॉज हिज टीचर हैड आस्क्ड टू प्रिपेयर ए लेसन ऑन पार्टिसिपल बट ही न्यू नथिंग अबाउट देम. फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाहता था. सारी स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है, ये देखो. तो रिमेंबर इट ऑल्सो बिकॉज ही डिड नॉट रिमेंबर हिज लेसन. जो एक आम बच्चों में एक प्रॉब्लम रहती है, चैप्टर रिमेंबर करने में बड़ी दिक्कत आती है. सो ये भी आपको याद रखना है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू. ओके, नाउ देखो देयर इज अनदर क्वेश्चन. व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर्ड टू मी. वॉट वॉट द वर्ड दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज फ्रेंच. सो एक नाम आपको फ्रेंच याद रखना है जो उस स्टूडेंट का नाम था, एक नाम आपको एम हेमल जो सर का नाम था, टीचर का नाम था, वो दोनों याद रखने हैं. अब भाई उसको पता नहीं था ना एम हेमल को, सॉरी फ्रेंच को, कि एम हेमल का लास्ट डे. तो जब फ्रेंच को पता पड़ा सो इट वॉज लाइक ए थंडर क्लैप. द वर्ड ऑफ एम हेमल विच शॉक्ड एंड सरप्राइज फ्रेंच वर्ड माई चिल्ड्रन. This is the last lesson I shall give you. ये उसके लिए बिजली की तरह से उसके ऊपर गिरा था. The order has come from Berlin to teach only German. The schools of Elsack and Lauren. So here the order, the school of Elsack and Lauren. ये word ये दोनों याद रखने, दोनों places हैं Elsack and Lauren. और क्या पढ़ाया जाएगा? सिर्फ only German. Only German. ये याद रखना, French की जगह सिर्फ German पढ़ाया जाएगा. ये इस पार्ट की मेन थीम है. This is your last French lesson. This is your last French lesson. ये आपका अंतिम French का lesson है. So ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था. किसके लिए? French के लिए. बहुत बार क्या होता है, बच्चों को remember नहीं होते, याद नहीं होते, ना तो teacher का नाम याद होता है और ना स्टूडेंट का, पात्रों के नाम याद नहीं होते, वो एक बड़ी समस्या हो जाती. अच्छा आगे देखिए. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट वाज टू सी व्हाट ए सरप्राइज फ्रेंच मोस्ट इन द क्लास. ये उसको क्लास में क्या सरप्राइज हुआ जब वो अंदर आया. द थिंग दैट सरप्राइज फ्रेंच द मोस्ट वाज टू सी द एल्डरली विलेजर्स सीटेड ऑन द बैक. जितने भी एल्डरली विलेजर्स सीटेड ऑन द बैक, हमने ओल्ड होस्ट को बार बार, मैंने ये वर्ड यूज़ किया है, ओल्ड होस्ट जो थे ये आपको काम में लेना है. वहाँ वो वहाँ बैठे हुए थे, प्राइमर उनके हाथ में था और बाकी दूसरे फॉर्मर मेयर भी उस वहाँ बैठे हुए थे. तो ये उसके लिए बड़ी ठीक है. बेंचेस ऑफ द क्लास विच वर यूजुअली एम्प्टी, जो खाली होते थे वहाँ वो सारे बैठे हुए थे. देखो अनदर क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, हाउ डिड इट अफेक्ट फ्रेंच एंड द पीपल ऑफ एल्सेक. बर्लिन का क्या ऑर्डर था और इसने कैसे उसको इफेक्ट किया. देखो प्रशिया है टेकन ओवर टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रेंच, अल्सेक एंड लॉरेन. बार बार ये शब्द आ रहे हैं. देखो अल्सेक एंड लॉरेन, प्रशिया ने इनको जीत लिया था. इन द वॉर देयर केम एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन द कैपिटल ऑफ जर्मनी दैट फ्रॉम देन ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ दीज टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स. When French and other people came to know the news, they grew emotional. Even the villagers attended the last lesson in French given by the school teacher M. Hamel. They all felt sorry to think that they had not paid proper attention to learn their language. So this is the main theme. That was the last French lesson by M. Hamel. Elsack and Lauren. ये भी आपको रिमेंबर करना है, याद करना है. और लास्ट लेसन था
देखो अब इसमें ए वन ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट्स इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन व्हाट इम्पैक्ट इट हैव ऑन देम व्हाई द फ्रेंच टीचर इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन सीम्ड वेरी इमोशनल इन ए वेरी ग्रेव ही टोल्ड हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स इन ए वेरी ग्रेव मैनर and that he was it was this was the last time they were studying mother tongue so this is the story of mother tongue french also mother tongue what was mother tongue french from the next day german was going to be imposed on them imposed matlab thopi jayegi kaun si language german was imposed on them okay Listening to this, they all turned emotional. They felt great yearning for their language, feeling repentance for not having paid heed to learn their language. They study it attentively. Now they felt the importance of their mother tongue. ठीक है, that is the thing कि भाई उनको लगा बाद में realize हुआ कि उन्होंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था. So बच्चों ये हमारा एक chapter complete हुआ है उसका रिव्यू हुआ है कंप्लीट और अब इसमें आपको जो चीज़ें देखो मेरा रिव्यू कराने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को वो चीज़ें दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएं तो आपको एम हेमल टीचर का नाम याद होना चाहिए फ्रेंच स्टूडेंट का नाम याद रहना चाहिए और इसके बाद में ओल्ड होजर था वहाँ एल्सेक लॉरेन ये दोनों चीज़ें जो थी प्रशा ने या जर्मनी समझ लीजिए उसने क्योंकि जर्मनी बाद में बना था प्रशा जो था उसने उसको अपने अधिकार में ले लिया था एल्सेक एंड लॉरेन में और वहाँ वो क्या चाहता था वो प्रशा वांटेड टू इम्पोज जर्मन लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ देयर मदर टंग फ्रेंच फ्रेंच की जगह जर्मनी अपनी भाषा को लगाना इम्पोज करना चाहता था ये मेन थीम है स्टोरी की ठीक है तो इमोशनल जो अटैचमेंट है उसकी स्टोरी है बहुत अच्छी स्टोरी है और ऑलवेज क्वेश्चन इसमें से आता है अब देखो आज हम एक साथ में छोटी सी पोइम भी है वो भी कर लेते हैं द मदर एट 66 बहुत अच्छी पोइम है देखो पोइट्री में तो स्पेशली आपको पोइटस के नाम या पोइट जो भी हैं उनके नाम याद होने चाहिए कमला दास कौन है कमला दास है इसकी जो पोइटस है ठीक है कमला दास वाज बॉर्न थोड़ा सा हमें उसका पता होना चाहिए जितना अच्छा हमारा डेप्थ होगा ना लैंग्वेज में उतना ही इम्प्रेसिव हम लिख पाएंगे ठीक है तो देखिए वो कमला दास जो है केरल की हमारी जो लेखिका पोइटिस हैं और देखो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है शी वाज फ्रॉम केरला ठीक है मलयालम में उन्होंने लैंग्वेजेस मलयालम में भी उन्होंने लिखा है इंग्लिश में भी उन्होंने लिखा है शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं सेंसिटिव राइटर रही हैं बड़ी बोल्ड रही हैं अपने टाइम की और देखिए इनका एक नाम था माधव कुट्टी जो इन्होंने इनका जो नाम था ओरिजिनली वो माधव कुट्टी था और बाद में इन्होंने कमला दास के नाम से पोइम्स लिखी काफ़ी बोल्ड जो पोइट्स के रूप में इनका नाम भारत में चर्चित रहा है अब देखिए इसमें क्या है इसमें बताया गया है जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड होते हैं तो हमारे मन में एक भय रहता है कि पता नहीं कब वो ना रहें उसी को शब्दों में पिरोया है लेखिका ने ठीक है तो यहाँ देखिए कोचिन लास्ट ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग अब देखो माँ की जो इन्होंने कुछ बताई डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं है ना और एक कॉर्पस एक डेड बॉडी की तरह वो दिखाई दे रही है मुंह खुला हुआ है अब उसको लगता है कि उसकी मदर पता नहीं कितने दिन रहेंगी तो एक जो पेरेंट्स के साथ हमारा जो अटैचमेंट रहता है और आजीवन रहता है अपने इंडिया में तो आजीवन पेरेंट्स भी रखते हैं और बच्चे भी रखते हैं तो हमारा कल्चर कुछ इस तरह का ही है तो यहाँ देखो फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर बचपन से ये भय था बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अमा ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल ठीक है सो आपको लेखिका का नाम याद रहना चाहिए और उसमें जो थीम है वो याद रहनी चाहिए अब इन्होंने देखो कुछ अब आपको
रेफरेंस टू कंटेक्स्ट जो आए हुए हैं। तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स, इसकी शुरू की लाइन है, इससे कि अपना कंसेप्ट भी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डोर्स ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्पस। ठीक है, ये इसके स्टेंजा है। तो आपको मैं बता दूँ, स्टेंजा पोइम्स में स्टेंजा होते हैं और चैप्टर्स जो होते हैं या प्रोज जो होते हैं उनमें पैराग्राफ होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेफरेंस कंटेस्ट और एक्सप्लेनेशन उन्होंने जो बताई है, देखो इंडो एग्लिकन पोइटिस है कमला दास। कंटेक्स्ट इसका, ये जो ट्रैवल कर रही है अपने पेरेंट्स के होम से कोचिंग, और एक्सप्लेनेशन इट वॉज लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग वेन द पोइट वॉज ड्राइविंग विद हर मदर टू हर पेरेंटल होम टू कोचीन एयरपोर्ट। कोचीन एयरपोर्ट जा रही है वो, है ना, उसकी मदर उसको साथ में अपने मम्मी के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार। कार में मदर साथ में बैठी हुई हैं। द पोइट लुक्स विस्टफुली एट हर मदर हु इज डोजिंग ओपन माउथ। She notices that her mother's face is lifeless and devoid of color. It looks as if she were dead. देखो, the sight is very saddening to the. तो माँ के प्रति जो प्यार है, तो उनको ऐसा लगता है वो dead हैं. My mother at 66 है ना, 66 साल की हैं. तो खैर, अब तो औसत एज काफ़ी अपनी बढ़ गई है, लेकिन चलो, जो पोइटिस की भावनाएं हैं वो अमूमन होती हैं. इसमें भी इम्पोर्टेंट लाइन्स और हैं अगली, खैर वी विल सी ओनली दोज विच आर आस्क इन द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस टाइम, है ना। इस समय तो वो चीज़ें पूरे चैप्टर को देख के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट, देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून, देखो कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। माँ की शक्ल कैसी थी, लेट विंटर्स मून, ठीक है। माय फैमिलियर एक, ये भी वर्ड बार बार वो यूज़ कर रहे हैं, मेरा वो ही परिचित दर्द। माय फैमिलियर एक, फैमिलियर एक, ठीक है। My childhood face, but all I said was see you soon, Amma. All I did was very small poem, but आपको कुछ words जो इसके important हैं वो remember करके उनको use करना चाहिए, उनको लिखना भी अपने को। So वो ये reference context explanation में my mother at 66 है और poet is at the airport where she again looks closely at her mother and bids her goodbye with a smile. After the security check at the airport, the poet stands a few yards away from her mother. From there, she again looks at her mother's face. देखो, late winter's moon, ये आपको remember करना है, ठीक है। जो ढलता हुआ जो moon होता है वो उसकी तरह उसकी माँ की शक्ल दिखाई देती, ये आपको remember। इससे क्या थोड़ा आपका और भी depth आ जाएगी, इसको अपने को देखने से आप में थोड़ी डेप्थ पाठ के प्रति आ जाएगी। जितना अपन डीपली पढ़ेंगे ना, वो एग्जामिनेशन में दिखाई देता है। देखो, इसमें मेन क्वेश्चन ही आते हैं ना, आपके ट्वेल्थ में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं आता। हमने सिर्फ अपनी ज्ञान को पैनापन देने के लिए, धार देने के लिए इनको देखा है, क्योंकि जितना ज्ञान में गहराई होगी ना, उतना आपको एग्ज़ाम देने में मज़ा आएगा, और हमें अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करना है, क्योंकि सिर्फ सीनियर सेकेंडरी तक ही हमारा एम नहीं है, सभी आगे से आगे बढ़ना चाहेंगे, और कंपटीशन को देखते हुए जितना अच्छा हम पढ़ेंगे, डेप्थ होगी ना, उतना अच्छा रहेगा। अब देखो, अब ये क्वेश्चंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द चाइल्डहुड फियर दैट पोइट इज़ सफरिंग फ्रॉम। बचपन से क्या डर था। द पोइट इज पेन टू सी हर मदर्स डेथ पेल फेस शी सफर्स फ्रॉम हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। लूजिंग हर मदर, ये उसका फियर था बचपन से, उसको ये भय था कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे, ये भय उसका बार बार सामने आ जाता था। शी ऑल्सो एक्ट एट द थॉट दैट द टाइम एंड एज
स्पेयर्स नन, सभी समय के साथ में किसी को छोड़ता नहीं है समय। व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, जो पेड़ हैं वो भागते हुए क्यों दिखाई देते हैं। बाई डिस्क्राइबिंग स्प्रिंटिंग ट्रीज ही प्रेजेंट्स कंपेरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट इन द पॉइंट। देखो पॉइंट्स होती है ना, उसमें सिमिलैरिटी कंपेरिजन कॉन्ट्रास्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये मतलब पोइट्री के लिए स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कंपेरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, ये आपको देखना है कंपेरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। ओके सो बिटवीन ओल्ड एज एंड यंग एज, ओल्ड एज इज लाइफलेस एंड पेल व्हाइल यंग एज इज फुल ऑफ जॉय। इसके बाद में व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। देखो कम से कम तीन चार बार ये बात आ गई बार बार, लेट विंटर्स मून, रट लेना इसको, याद कर लेना कि मदर का फेस है जो कवियत्री जो है पोइटेस है उसने लेट विंटर मून से उसकी कंपैरिजन की है। द लेट विंटर्स मून अपीयर्स डल एंड श्राउडेड, बड़ा धुंधला सा होता है, डल होता है। इट लूजेज इट्स ब्राइटनेस सो द पोइट कंपेयर्स हर एज्ड मदर पेल एंड एश लाइक विदर्ड फेस टू द लेट विंटर्स मून। तो राख के समान वो है, ऐश लाइक विदर्ड, मुरझाया हुआ चेहरा है। अब ये चीज़ें आपको याद करने की, ऐश लाइक विदर्ड फेस है ना, लेट विंटर्स मून, लाइक ए कॉर्प्स, डोजिंग, ओपन माउथ, तो ये जो जितनी भी पोइट्री होती है ना उसमें आपको ये सारे वर्ड याद करने हैं और याद करके उनको यूज़ भी करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने दो चैप्टर किए हैं, एक पोइम हो गई है और दूसरा वो, तो इसी तरह से हम रिव्यू करते रहेंगे और आप भी अपना पर्सनली आप जो कर रहे हैं वो करते रहें और साथ में इनका इनको इनकी भी हेल्प लें, तो आई होप तैयारी में एक पैनापन आएगा और एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छे होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।